हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो आज मैं आप सब से दोपहर को मिल रही हूँ तो अभी जो है तो फ्रेंड्स आज बहुत दिन बाद इस तरह का धूप निकला है आज बहुत ही अच्छा सा धूप निकला है और हवा भी चल रहा है लेकिन धूप निकला है और पूरे सात आठ दिन के बाद इस तरह का धूप निकला है नहीं तो तीन चार दिन तो बारिश बारिश हो रहा था तो आज फिर बहुत सारा हम लोग हैं और तो अच्छा खासा धूप निकला है तो इसलिए आज हम लोग बहुत ज़्यादा कपड़ा भी धोए हैं और सबको ही नहाए हैं तो सिद्धार्थ सिद्धार्थ सात आठ दिन से नहीं नहाया था तो आज मम्मी जी ने सिद्धार्थ को नहला दिए हैं और मैं भी नहा ली हूँ और अभी छात पर धूप में बैठी हूँ करीब बा बारह साढ़े बारह के टाइम है अभी और मैं धूप में बैठी हूँ मम्मी जी भी नहाकर यहीं पर है छत पर तो सिद्धार्थ हैप्पी सो रहा है मेरे पास ही है क्योंकि सिद्धार्थ नहा नहाने के बाद मैं नहाने गई थी तो तब तक सिद्धार्थ नहा लिया था और धूप में बहुत अच्छे से सो गया था अपने दादी के पास तो बहुत दिन बाद नहाया इसलिए सिद्धार्थ को भी अच्छा लग रहा है और हम लोग सब नहा लिए हैं और बहुत अच्छा धूप भी निकला है इतना अच्छा क्या बताऊं तो अभी जो है मेरा आप सब जानते हैं मेरा चार पांच दिन से जो है वीडियो नहीं जाता है क्योंकि मेरा और सिद्धार्थ का थोड़ा तबीयत खराब हो गया था और सिद्धार्थ जो है अभी खेल रहा है तो आप सिद्धार्थ की आवाज़ सुन सकते हैं तो यहाँ पे दिल्ली पे तो अभी तीन चार चार दिन से रोज बारिश हो रहा था जिसके कारण मौसम हो चेंज होने के वजह से मेरा और सिद्धार्थ का मम्मी जी का भी बुखार हो गया था सर्दी जुकाम हो गया था सबका तो मेरा वीडियो नहीं जा रहा था नहीं बना पा रही थी मैं वीडियो तो आज मैं बना रही हूँ और अभी अभी मैं नहा धोकर तैयार हो गई हूँ और अभी मैं सिद्धार्थ को तैयार करवाऊंगी तो आज सिद्धार्थ अभी खेल रहा है खेल रहा है आप देख सकते हैं करो सिद्धार्थ तुमको तैयार होना है ना तैयार होगा ना तुम अभी तो फ्रेंड्स हमारे घर आज कोई आने वाले हैं खास मेहमान आने वाले हैं तो आपको पता चल जाएगा सिद्धार्थ भी बहुत खुश है तो आप देख सकते हैं सिद्धार्थ भी कितना खुश है अभी सिद्धार्थ जाएगा तैयार होने के लिए क्योंकि सिद्धार्थ के फूआ आने वाले हैं आज सिद्धार्थ आज कौन आएंगे हमारे घर तो सिद्धार्थ अभी तैयार हो जाएगा नहीं तो फिर सिद्धार्थ के बुआ जो है आ जाएंगे तो अब जरूर वीडियो देखिएगा सिद्धार्थ के कौन से आने वाले हैं आज हमारे घर तो फ्रेंड्स जैसे सिद्धार्थ को मैं तैयार कर दी थी उसके बाद तुरंत ही दीदी सब जो है आ गई थी तो आ गए हैं आप देख सकते हैं तो आकर ही जो है चल रहा है यहाँ पर मस्ती और सिद्धार्थ को डुगू और डुगू के पापा जो है उन्होंने गदी ले गदी लिए हैं और देख सकते हैं अभी सिद्धार्थ आ गया अपने बड़ी पुआ के पास और कितना खूब है आप देख सकते हैं सिद्धार्थ तो अभी जो है हम लोग का बातचीत होते रहता है बहुत देर तक तो इसी तरह और सब आकर दीदी डुगू सबने हाथ मुंह धो लिए था अच्छे से आप सबको पता ही है अभी जो है कोरोना वायरस कितना ज़्यादा फैल रहा है फिर से तो उसके बाद जो है डगू तो बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे सिद्धार्थ को लेकिन वो ज़्यादा देर तक डुगू जो है सिद्धार्थ को नहीं कभी ले ले पा रहे थे और यहाँ पर जो है दीदी जो मिठाई लाई थी तो वो सब निकाल कर दे रहे हैं हम लोग को तो <laughs> बहुत ज़्यादा मिठाई लाए हैं उसके बाद जो है डुगू जो है सिद्धार्थ के लिए एक चॉकलेट भी लाए हैं जबकि सिद्धार्थ खाते भी नहीं बस मजाक में ही हम बोले थे डुगू सिद्धार्थ के लिए आप भी चॉकलेट लेते आइएगा क्योंकि आप भी सबको चॉकलेट मांगते हैं तो देखिए सिद्धार्थ नहीं लिए तो उसके पेट के ऊपर रख दिया था और अभी जो है मिठाई दीदी मुझे पकड़ा दी और अभी हम लोग आ गए थे किचन पर और अभी नाश्ता दीदी सब को दे रहे हैं क्योंकि नाश्ता तो हम लोग नहीं लाए थे बस दीदी सब जो लाए थे वहीं दे रहे हैं तो अभी दोपहर का टाइम है तो सब कोई जो है दोपहर के खाना दाल चावल सब्जी बना हुआ है अभी वह अभी बना कर हैं तो वो दे देंगे तो उससे पहले थोड़ा सा नाश्ता में दे देती हूँ तो मिठाई का डब्बा जो है कितना अच्छे से पैकेटिंग है खोलना पड़ रहा है तो मैं प्लेट में लगा दूंगी बस दीदी को और डुगू के पापा को क्योंकि डुगू इतना मीठा चीज़ नहीं खाते हैं तो उनको वो नहीं लेंगे उनका अगर मन करेगा तो अपने से मांग कर ले लेंगे अगर देते हैं अभी तो नहीं लेते हैं तो बस मैं दो ही प्लेट में दे देती हूँ और ये लड्डू जो है ये बेसन का लड्डू है शुगर फ्री है मम्मी जी के लिए और जो डब्बा में आप देख रहे हैं ये है गुलाब जामुन तो गुलाब जामुन जो है हम सब कोई खाएंगे मम्मी जी नहीं खाएंगे तो बेसन का लड्डू भी हम लोग सबको ही खाते हैं हो जाता है बहुत था तो अभी यहाँ पर बातें भी चल रहे हैं क्योंकि सब है बैठे और सब जब बहुत दिन बाद मिलते हैं तो आप सबको पता ही है कितना सारे बात होता है सब बात करने में अभी लगे हुए हैं तो अभी जो है ये लोग नहीं नाश्ता ज़्यादा खाएंगे कुछ हम बिस्कुट वगैरह भी मैं दे रही थी तो नहीं लिए लोग बोले नहीं अभी दोपहर का टाइम है तो फिर खाना खा लेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर सिद्धार्थ जो है अपने बुआ के साथ खेल रहे थे बातें कर रहे थे तो इससे इसके साथ कोई बात करता है तो बहुत अच्छा से ये खेलता है और हंसते रहता है और ये जो ब्लैक हाइने है ये सिद्धार्थ आज पहली बार पहना है तो बिले खाने के में सिद्धार्थ कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट कर कर आप लोग बताइएगा मेरा बेटा कैसा लग रहा है देख सकते हैं आप सब और ये तो आजकल पहचानने सीख गया है सबको पहचानता है कोई नया लोग देखते हैं तो फिर रोने लगता है और दीदी सब अभी रुकेंगे नहीं कहीं और जाएंगे तो अभी एक एक घंटा में निकल जाएंगे खाना पीना हो गया था घर में तो अभी वो लोग जो रात को खाएंगे ट्रेन में तो उसके लिए आलू अंडा का सब्जी बना दिए थे और पराठा बना दिए थे तो तो ये भी मेरा जो है तैयार हो गया है तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक का था वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ तब